हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है स्मार्ट टेक्सचर। तो इस बार हम रस्टिक टेक्सचर लेके आ गए हैं। देखो दोस्तों, ये वाली रस्टिक टेक्सचर फाइनल हो जाने, कलर लग जाने के बाद कुछ इस प्रकार की लगेगी। तो दोस्तों, ये टेक्सचर कैसे बनाए जाते हैं आगे वीडियो में हम लोग देखते हैं। ये वाली टेक्सचर जो रस्टिक टेक्सचर होती है, ये हमने बर्जर कंपनी के माल लिया है। चाहे तो आप एशियन पेंट की, नरोला की कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। ये है बर्जर कंपनी का रस्टिक माल। तो आगे वीडियो में देखते हैं कि ये रस्टिक टेक्सचर किस प्रकार बनाई जाती है। तो दोस्तों, ये शादी वाली गुरुमाला है जो हार्डवेयर की दुकान पे सस्ते वाली मिल जाएगी, पटरे वाली गुरुमाला, वही गुरुमाला है। वो गुरुमाला लेके आपको इस तरह से माल चढ़ा लेना है। दोस्तों, माल बनाने से पहले एक बात बता देता हूँ कि 20 किलो की गोनी के अंदर आपको मिनिमम 300 ग्राम से लेके आधा लीटर तक पानी मिलाना है। आप नहीं पानी मिलाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये माल रेडीमेड ही आता है, लेकिन थोड़ा मुलायम हो जाए इस प्रकार हमने इसीलिए थोड़ा सा पानी मिलाया है। देखो दोस्तों, इस तरह से माल चढ़ाना है। जैसे हम आप लोग ने पहले माल टेक्सचर निकाला है, उसके बाजू बाजू में से ही इस तरह से चढ़ाना है, जॉइंट अच्छे से मिल जाए इसीलिए। देखिए, फिर आपको इस तरह से राउंड 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 घुमाना है। देखो दोस्तों, बिल्कुल वीडियो में जिस तरह मैंने दिखाया है, बिल्कुल इसी तरह से आपको माल चढ़ा के इस तरह से गुरुमाला से लगाना है। देखो दोस्तों, ये गुरुमाला प्लास्टिक की आती है। पहले जो माल चढ़ाया वो अपना पतरे की आती है, और ये प्लास्टिक वाली गुरुमाला आती है। उसको आप इस तरह से राउंड राउंड घुमा के आप इस तरह से टेक्सचर बना सकते हैं दोस्तों। इस पर देखो दोस्तों, ये मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इसी प्रकार आपको इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए आगे बढ़ जाना है। टेक्सचर तो देखो बच्चों का खेल है। देखो दोस्तों, जैसे वीडियो में दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी प्रकार। और देखिए दोस्तों, ये गुलूमारा 4-5 बार घुमाने के बाद आपको पतरेस दूसरा पतरेस लेके इस तरह साफ कर देना है। फिर वापस से इस तरह से घुमाना है, फिर आपको पतरे से साफ कर लेना। चाहो तो आप गीला कपड़े से भी ये गुरुमाला साफ कर सकते हो, चाहो तो आप गीला पंच लेके भी ये गुरुमाला को साफ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, समय की बचत हो जाएगी, तो समय का बचत करने के लिए आपको एक पतरे से ही साफ कर देना है, जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी प्रकार। तो फाइनल होते होते इस प्रकार की टेक्सचर लगेगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये टेक्सचर बनाने के लिए जो माल आप चढ़ाएंगे, तो माल ज़्यादा नहीं चढ़ाना, कम ही चढ़ाना है, उतना चढ़ाना है जैसे दीवार में ये टेक्सचर का जो कण आता है ना, जो रस्टिक माल का कण आता है, वो दीवार को टच हो जाए और अपने गुरुमाला को टच हो जाए, बस उतना ही आपको माल चढ़ाना है। फिर इस तरह से गुरुमाला लेके आपको राउंड राउंड घुमा देना है, टेक्सचर तो अपने आप ही निकल आएगी दोस्तों। और थोड़े थोड़े माल घुमाने के बाद इस तरह से पतरे से साफ करना, जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह से साफ कर देना है, ताकि गुरुमाला में माल चिपक ना जाए। देखिए, ज़्यादा बड़ा कंकड़ आ गया है, तो इसी तरह से साफ कर देना है और इसको गुरुमाला को राउंड राउंड घुमाते हुए आगे बढ़ जाना है। टेक्सचर बनाना यानी कि बच्चों का खेल है, बस इसी प्रकार आप टेक्सचर बनाते रहिए और माल पानी कमाते रहिए। अगर कोई भी आपको टेक्सचर बनाने में कोई तकलीफ आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो कमेंट जरूर करें। और हाँ, मैंने एक पेंटर लोग का एक ग्रुप बनाया है, चाहो तो आप पेंटर लोग का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपकी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और मैं वो ग्रुप में मैं खुद भी रहूँगा, चाहो तो आप मुझे भी मैसेज करो, मैं भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता दूंगा दोस्तों। देखिए, इस तरह से आप टेक्सचर बना सकते हैं। ये रस्टिक वाला टेक्सचर है, इसको ये बर्जर कंपनी का मैंने रस्टिक माल लिया है। चाहे तो आप एशियन पेंट या फिर नैरोलैक या कोई भी दूसरी कंपनी का आप ले सकते हैं, लेकिन ये आप इस तरह प्रकार आप टेक्सचर बड़ी आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और हाँ, एक बात हमेशा की तरह फिर से कहना चाहूँगा कि अपने माँ बाप की हमेशा सेवा करते रहना। इस दुनिया में सबसे बड़े दौलत होती अपने माता पिता का प्यार। इसीलिए दोस्तों कहता हूँ, जिसको माता पिता का प्यार मिला, वो जिंदगी में कभी ना कभी कामयाब होगा, कामयाब बन के ही रहेगा। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताना आगे आप कौन किस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं, वो कमेंट में बताना, तो मैं उस प्रकार की वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों।
तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा।